गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू वेइंग मशीन. ओके, तो आपने शायद अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने अपना वेट मेजर किया होगा विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि वेइंग मशीन एक्चुअली आपका हमारा जो वेट मेजर करती है वो कैसे मेजर करती है. ओके, तो वही चीज़, वही उसी कंसेप्ट को हम आज हम समझने वाले हैं कि जैसे ही हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन को कैसे पता चल जाता है कि हमारा वजन 60 किलोग्राम है या 50 किलोग्राम है या 70 किलोग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है कि सपोज कर लीजिए कि ये वेइंग मशीन है और कोई पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर अपना वेट मेजर कर रहा है. तो बेटा, वेइंग मशीन को कैसे पता चल जाता है कि ये जो पर्सन का जो वेट है वो 50 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है या 70 किलोग्राम है. तो उसके लिए एक्चुअली जो वेइंग मशीन होती है, अगर हम इसका एबीडी ड्रॉ करें, इस पर्सन का एबीडी अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो आप कहेंगे कि इसका एक तो वेट होगा खुद का, वो क्या होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा वेट mg, और एक जो वेइंग मशीन का सरफेस है और इस पर्सन के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट है, तो यहां से क्या जनरेट हो रहा होगा बेटा, एक नॉर्मल रिएक्शन एन जनरेट हो रहा होगा. तो आपके दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो क्या लग रहा है, वेट mg लग रहा है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक इस पर्सन तथा वेइंग मशीन के बीच में आपका नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है. तो बेटा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन है, अगर आप देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये वेट mg तो अर्थ की वजह से लग रहा है, लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन है ये आपका किस किस के बीच में लग रहा है, ये बिटवीन द पर्सन लग रहा है और वेइंग मशीन के बीच में लग रहा है. तो आपको पता है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन जो भी है ये अभी तो इस पर्सन के ऊपर लग रहा है. ठीक है, और इस पर्सन की वजह से भी इस वेइंग मशीन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो एक्चुअली जो हमारी जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर ये जो जैसे ही कोई पर्सन इसके ऊपर वेट मेजर करने के लिए चढ़ता है, तो क्या होता है कि उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन एन है, वो क्या होता है, वेइंग मशीन को ट्रांसफर होता है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वेइंग मशीन है, जैसे ही हम उसके ऊपर चढ़ते हैं वेट मेजर करने के लिए, तो वेइंग मशीन के ऊपर क्या ट्रांसफर होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ट्रांसफर होता है उस पर्सन की वेट की वजह से. तो जो वेइंग मशीन है वो एक्चुअल में क्या मेजर करती है, वो एक्चुअल में आपका मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन एन. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि वेइंग मशीन हमारी एक्चुअल में क्या मेजर कर पाती है, वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो हम ट्रांसफर करते हैं वेइंग मशीन को, वो मेजर करती है, ना कि हमारा वेट. ओके, क्योंकि वेइंग मशीन को थोड़ी पता चल गया कि हमारा वेट इतना है या कितना है. एक्चुअल में जैसे ही हम उसके ऊपर चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन उस वेइंग मशीन को ट्रांसफर करते हैं, एक फोर्स एक वेइंग मशीन के ऊपर हम लगाते हैं, और वेइंग मशीन क्या करती है, उसी फोर्स को हमारा मेजर करती है. ठीक है, जितना हम फोर्स उस वेइंग मशीन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, वेइंग मशीन उतना ही हमारा वेट बता देती है. ओके, तो यहाँ से देखा, अगर पर्सन हमारा रेस्ट के ऊपर है तो आपको क्या पता है, अगर हमारा पर्सन अगर रेस्ट के ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल. तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है जो वेइंग मशीन को ट्रांसफर हुआ है, और उसकी वैल्यू कितना है, mg के इक्वल है. तो यही फोर्स हमारा क्या कर लेती है, वेइंग मशीन हमारा मेजर कर लेती है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो mg के इक्वल है यहाँ पे, यही फोर्स हम क्या करते हैं, वेइंग मशीन को एक्चुअली ट्रांसफर करते हैं. ओके, तो एक पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे, द वेइंग मशीन एक्चुअली मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन between the person and the machine.
ओके तो बेटा सीधा सा लॉजिक भी आप समझ के देखेंगे, वेइंग मशीन को थोड़ी पता है कि हमारा वजन कितना है। जैसे हम उसके ऊपर चढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं और वही नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब जैसे हम ऊपर चढ़े तो हमने क्या देखा कि ये जो एन फोर्स है ये हम क्या करते हैं वेइंग मशीन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये तो वेइंग मशीन के ऊपर लग रहा है ये एन फोर्स, तो वेइंग मशीन क्या करती है इसी फोर्स को हमारा मेजर करती है। और वेइंग मशीन को आपको पता होता है कि स्प्रिंग बैलेंस होता है, वो यूजली स्प्रिंग बैलेंस ही होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यही जो फोर्स है, यही जो स्प्रिंग है उसको ट्रांसफर होता है नॉर्मल रिएक्शन वाला, और स्प्रिंग बता देती है कि इतना कंप्रेशन हुआ है तो इतना फोर्स एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसफर हुआ होगा। तो जो हमारी वेइंग मशीन है हमेशा याद रखना है वो क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द मशीन, क्योंकि यही जो फोर्स है, यही फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, यही एक्चुअली मशीन को हमारा ट्रांसफर होता है। ओके एंड बेटा अगर मैं बात करूं नॉर्मल रिएक्शन एंड द मशीन इन किलोग्राम फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट रहा इन किलोग्राम फोर्स, तो बेटा जो मेजर करती है वो किस यूनिट में करती है, किलोग्राम फोर्स के अंदर मेजर करती है आपकी वेइंग मशीन, ठीक है। न्यूटन के अंदर मेजर नहीं करती, ये जो एन की जो एम जी आया है ये तो क्या आता है हमारी, इसकी यूनिट क्या आती है, न्यूटन आती है, लेकिन ये न्यूटन के अंदर नहीं मेजर करती है, ये किसके अंदर मेजर करती है, के जी एफ के अंदर मेजर करती है, किलोग्राम फोर्स के अंदर मेजर करती है। तो अभी क्या इसका क्या मतलब हुआ कि हमको पता होना चाहिए कि 1 kg फिजिकल टू हाउ मेनी न्यूटन्स। तो आपने शायद अपनी क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा कि 1 किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, 1 kg आपका इक्वल होता है किसके इक्वल, 1 जी न्यूटन फोर्स। ओके तो जी न्यूटन फोर्स इक्वल होता है 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम को अगर आप जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है कितना, 1 kg आता है आपका। तो किलोग्राम में जब आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी न्यूटन हो जाएगा। तो आपकी जो मशीन है बेटा, जो मशीन है वो kgf के अंदर मेजर करती है फोर्स को। ओके तो बेटा अगर मैं बात करूं आपकी, जैसे कि सपोज कर दिए कि मशीन के बीच में अभी नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है, अगर ये रेस्ट के ऊपर है, इसके ये जो मशीन है हमारे रेस्ट के ऊपर है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा। तो रीडिंग ऑफ द मशीन क्या होगी बेटा, तो आप कहेंगे रीडिंग ऑफ द मशीन क्या होगी, जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, तो रीडिंग ऑफ द मशीन आप क्या बोल सकते हैं, रीडिंग ऑफ द मशीन। तो बेटा रीडिंग ऑफ द मशीन आप क्या बोलेंगे कि 1 kg है, ठीक है। रीडिंग ऑफ द मशीन किसके अंदर आएगी, आप कहेंगे किलोग्राम फोर्स के अंदर आएगी। अगर हमने एन न्यूटन ट्रांसफर किया मशीन को, अगर एन न्यूटन हमने मशीन को ट्रांसफर किया, या फिर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन है, तो मशीन की रीडिंग क्या आएगी, एन तो क्या है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन है जो किसके अंदर है, न्यूटन के अंदर है। तो मशीन तो किसके अंदर दिखाएगी आपको, किलोग्राम फोर्स के अंदर दिखाएगी। तो बेटा तो हम क्या देख सकते हैं, देखिए एन अगर जी न्यूटन हुआ तो आपका 1 किलोग्राम फोर्स दिखाएगी, अगर आपका 1 न्यूटन हुआ तो कितना फोर्स दिखाएगी, 1 किलोग्राम फोर्स बाई जी, इतना किलोग्राम फोर्स दिखाएगी। अगर आपका एन न्यूटन हुआ, एन क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन है, तो एन न्यूटन होगा तो रीडिंग क्या आएगी मशीन की, तो आप कहेंगे बेटा क्या आएगी मशीन की रीडिंग, एन डिवाइडेड बाई जी kgf। और kgf को एक समटाइम क्या बोल देते हैं हम, किलोग्राम बोल देते हैं। जैसे हम मेजर करते हैं मशीन के ऊपर, सपोज कर लीजिए कि आपका वजन आया 60 किलोग्राम, लेकिन आपका जो एक्चुअली जो मास है वो 60 किलोग्राम आया, वो जो एक्चुअल यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, किलोग्राम फोर्स होती है, kgf होती है। ओके तो जो रीडिंग ऑफ द मशीन आती है वो क्या आती है, नॉर्मल रिएक्शन जितना भी आया बेटा आपका डिवाइडेड बाई जी, ये आपकी आती है रीडिंग ऑफ द मशीन। ओके तो इस केस के अंदर अगर आप बात करें तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो आप कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या है, एम जी है। अगर आप जी से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगी, रीडिंग एम आ जाएगी आपकी। तो जितना भी आपका मास है वो मशीन आपका शो कर देगी, और उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम फोर्स के अंदर। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बेटा इस केस के अंदर जब पर्सन रेस्ट के ऊपर, उसके ऊपर खड़ा हुआ है मशीन के ऊपर, तो आपका जो वजन मशीन दिखा रही है वो क्या दिखा रही है, रियल वजन दिखा रही है ना। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन है, जितना आपका मास है, वो नॉर्मल रिएक्शन भी आपका उतना ही रहेगा, जितना वेट है आपका नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही होगा, और मशीन भी आपको कितना वेट करेगी, जितना आपका वेट है उतना ही आपको शो करेगी मशीन। ओके लेकिन कई बार क्या होता है कि कंडीशन ऐसी नहीं रहती है, जैसे अभी हम पर्टिकुलर केस करने वाले हैं। अगर आपका सपोज कर लीजिए कि वेइंग मशीन है वो किसी लिफ्ट के अंदर है, और वो लिफ्ट आपकी
क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है हो सकता है, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, तो उस टाइम पे आपका जो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। नॉर्मल रिएक्शन ही हमारी मशीन क्या करती है, मेजर करती है, तो इसका मतलब जो हमारा वेट है वो भी क्या करेगा, वो मशीन की वजह से वेरी होगा। ओके, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूँ, अभी कुछ केसेस देखने वाले हैं पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे बेटा जब आपकी मशीन रैक के ऊपर है तो आपको क्या दिखेगा, जो वेट है पर्सन का वही आपका मशीन शो करेगी। और अभी हम कुछ पर्टिकुलर केस करने वाले हैं। केस वन लिखिए, केस वन लिखिए, इफ weighing machine is accelerating upward with an acceleration A, with an acceleration। अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपकी वेइंग मशीन ही किसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, अब आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि वेइंग मशीन है किसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ कैसे जा रही है। तो हम क्या मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि हमारी जो वेइंग मशीन है वो इनसाइड एलिवेटर है, लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है और यहाँ पे हमारी है वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर। ओके, और यहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है जिसका मास क्या है, एम। ओके, और ये जो लिफ्ट है हमारी ये क्या कर रही है, ऊपर की डायरेक्शन में आपके एक्सेलरेट कर रही है ए डायरेक्शन। ओके, तो बेटा अगर आप देखेंगे यहां पे तो ऊपर की डायरेक्शन में हमारी लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो आपको सी बात आपकी वेइंग मशीन भी ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेगी, क्योंकि वेइंग मशीन भी इसके साथ ही है, तो जो एक्सेलरेशन इस लिफ्ट का होगा सेम एक्सेलरेशन किसका होगा, वेइंग मशीन का होगा, और सेम ही एक्सेलरेशन आप कहेंगे आपका जो पर्सन इसके अंदर खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर उसका भी एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि तीनों एक साथ मूव हो रहे हैं। ओके, तो इस केस के अंदर जो वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो आपकी डिफरेंट आएगी। वो डिफरेंट क्यों आएगी वो अभी हम समझते हैं, क्योंकि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन की बेटा जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। वो डिफरेंट क्यों हो जाती है, वो जब हम इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब हमको समझ में आएगा। अभी बेटा इस पर्सन का मैं FBD बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो आप कहेंगे एक तो फोर्स लग रहा है इसका नीचे की तरफ MG, और एक क्या लग रहा है बेटा इस वेइंग मशीन और इस पर्सन के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आपका, और वो नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो आपका लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में N। ओके, दो फोर्स लग रहे हैं इस पर्सन के ऊपर। तो बेटा ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन है ये किसके बीच में है, वेइंग मशीन के बीच में है और पर्सन के बीच में है। आपको पता है सेम फोर्स इस पर्सन की वजह से इस वेइंग मशीन पे भी लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एन। वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस वेइंग मशीन को ट्रांसफर होगा, और वेइंग मशीन स्प्रिंग बैलेंस की वजह से उसी फोर्स को क्या करेगी बेटा, बैलेंस करेगी आप, उसी फोर्स को मेजर करेगी आप। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं हम, जो भी नॉर्मल रिएक्शन हम निकालेंगे वही नॉर्मल रिएक्शन वही फोर्स वेइंग मशीन को ट्रांसफर हो रहा है, और वेइंग मशीन आपकी उसी फोर्स को मेजर करती है। तो अभी इस नॉर्मल रिएक्शन को निकालते हैं बेटा। जब आप नॉर्मल रिएक्शन को निकालेंगे तो अगर मैं इस पर्सन का एपीडी बनाऊं तो आप कहेंगे एक तो फोर्स लग रहा है बेटा एमजी नीचे की तरफ, एक आपका फोर्स लग रहा है बेटा क्या, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ। और आप बात करें तो ये पर्सन क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेट हो रहा है किसके साथ, किसके साथ एक्सेलरेट हो रहा है, इस जो हमारी जो एलिवेटर है उसके साथ क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसका मतलब इस पर्सन का भी एक्सेलरेशन है। अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये पर्सन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ। फोर्स कौन सा लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन ए, वेट एम जी, और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में बेटा, ऊपर की तरफ है ए। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि नेट फोर्स हमारा बैलेंस होगा, रेस्ट के ऊपर नहीं है, ये पर्सन आपका एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन। तो न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। न्यूटन सेकंड लॉ जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जो भी फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है
उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट होता है उसको हम लेते हैं क्या, नेगेटिव। तो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। और बेटा नेट फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव, और ये एम जी क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन आपका लग रहा है। तो बेटा हो जाएगा क्या, ये नॉर्मल रिएक्शन एन माइनस एम जी, ओके इसको मैं कैपिटल बना देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यह हो गया हमारा इक्वेशन। अब बेटा हमको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या आएगा, वैल्यू एम जी प्लस एम ए, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। और अगेन अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो आपका आ जाएगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ये आएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बेटा बढ़ी या घटी, तो आप कहेंगे स्टार्टिंग में तो जब ये एसेलेट नहीं कर रहा था तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू थी एम जी, लेकिन अब क्या आ रही है, एम जी प्लस ए, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो इसका मतलब बेटा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ गई। तो आपकी जो वेइंग मशीन है उसके अंदर तो क्या ट्रांसफर हुआ है, उसके अंदर तो नॉर्मल रिएक्शन जो हम लगा रहे हैं मशीन के ऊपर, जो हमारी वजह से फोर्स लग रहा है वेइंग मशीन के ऊपर, वो ही तो वेइंग मशीन मेजर कर रही है। तो इसका मतलब जो आपकी वेइंग मशीन है वो आपका जो वजन है वो कुछ ज़्यादा दिखाएगी, है ना, क्योंकि वो क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है आपका। ओके, कितना वजन ज़्यादा दिखाएगी, तो उसके लिए हमको रीडिंग लिखना पड़ेगा वेइंग मशीन की। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन हम क्या बोलेंगे, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो बेटा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या आएगा, तो आपको पता है वेइंग मशीन किसके अंदर फोर्स को नापती है, तो आप कहेंगे किलोग्राम फोर्स। और ये मेरा जो आंसर आया है यहाँ पे एक की, ये जितना मेरा आंसर आया है ये किसमें है, न्यूटन के अंदर आया है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 kgf इज इक्वल टू बेटा जी न्यूटन, राइट। तो मेरे को ये किसमें मिला, ये न्यूटन के अंदर मिला, तो मेरे को 1 newton की वैल्यू मेरे को पता है, 1 newton किसके ऊपर इक्वल होता है बेटा, जो भी वो होगा क्या, 1/g kgf इक्वल होगा। तो अगर आपका इतना न्यूटन है, n न्यूटन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ओके। तो रीडिंग ऑफ द मशीन आप सिंपली क्या बोलेंगे बेटा, एम जी प्लस ए डिवाइडेड बाई जी, इतना मशीन आपका वेट शो करेगी। इससे पहले वाले केस के अंदर कितना आया था बेटा, n की वैल्यू वहां पे mg थी, तो m के इक्वल ही आया था आपकी मशीन की रीडिंग, लेकिन इस केस के अंदर आपका आया है एम जी प्लस ए बाई जी, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। और कई बार क्या रहता है बेटा, इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी लिख लेते हैं, हम कैसे याद कर लेते हैं कि ये वाला जैसे है, ये जैसे इनिशियल वाले केस के अंदर हमारा क्या आया था, एम जी आया था, तो इस केस के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसको एम जी ना लिखते हुए क्या करते हैं, एम जी अफेक्टिव लिख देते हैं, जी अफेक्टिव, ठीक है। तो जब कोई भी जो वेइंग मशीन है या फिर हम किसके अंदर खड़े हैं, किसी लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, तो जी अफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा वहाँ पे, जी अफेक्टिव की वैल्यू आप याद रखेंगे कि जो हमारा जी अफेक्टिव हो जाता है वो क्या हो जाता है, जी प्लस ए हो जाता है, जी प्लस ए हो जाता है। तो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन क्या आएगी बेटा, एम इंटू जी अफेक्टिव डिवाइडेड बाई जी, ओके। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको कि आपका जी अफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, जी प्लस ए होगी इस केस के अंदर। जब आपका एक्सेलरेशन जीरो था, इसका मतलब जब हम रेस्ट के ऊपर थे, तो जी अफेक्टिव की वैल्यू ए जी कर टू जीरो, तो जी के इक्वल आ जाएगा, ओके। सो बेटा आई होप दैट अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। अभी दूसरा वाला केस हम क्या करेंगे, अगर वेइंग मशीन अभी तो क्या थी, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड आ रही ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ये था, अगर अभी ये एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड आ रही हो, अगर नीचे की तरफ आपकी वेइंग मशीन आ रही हो, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, तो आपकी रीडिंग क्या होगी, ओके, वो चीज अभी हम देखने वाले हैं। तो बेटा आई होप कि अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। अभी सेकंड केस देखने वाले हैं। तो बेटा सेकंड जो केस है वो क्या है, इफ वेइंग मशीन इज एक्सेलरेटिंग
डाउनवर्ड, अगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और सेम ये एक्सेलरेशन है आपका, ओके, तो क्या क्या सिचुएशन के अंदर चेंज आएगा वो अभी हम देखने वाले। ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो सपोज कर लीजिए बेटा, ये है हमारी वेइंग मशीन, ये सपोज कर लीजिए कोई लिफ्ट है, इसके अंदर है कोई हमारी वेइंग मशीन, और इसके ऊपर कोई पर्सन है जिसका वेट हम मेजर करना चाह रहे हैं वेइंग मशीन की हेल्प से। ओके, तो अभी सिचुएशन क्या दी है कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका डाउनवर्ड है। तो बेटा कोई बात नहीं, अभी आपको पता है कि अगर ये लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट आपकी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो आपको ऐसी बात है जो पर्सन है वो भी आपका नीचे की तरफ ही इतने ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, एज वेल एज जो वेइंग मशीन है वो भी, उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा ए। ओके, तो अभी हमको तो क्या मेजर करना है, हमको पता है वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, राइट। तो मैं सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन हमको फाइंड आउट करना है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस मैन का। तो जब हम एपीडी बनाएंगे तो एक तो फोर्स आपका क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है नीचे की तरफ, और दूसरा क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा एन। अगर मैं यहां पे एपीडी बनाऊं इस पर्सन की, तो आप कहेंगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ है और एमजी नीचे की तरफ, और बात करूं मैं एक्सेलरेशन की, तो आप कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो इस बार नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन लग रहा है। फिर क्या करेंगे, हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम न्यूटन सेकंड लॉ यहां पे अप्लाई करेंगे, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, तो बेटा मैंने आपको बताया था न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, नेट अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स होता है उसको क्या लेते हैं हम, हमेशा नेगेटिव। तो mg इस बार एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, mg आपका एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है पॉजिटिव, नॉर्मल रिएक्शन उसके अपोजिट है नेगेटिव। तो हम लेंगे इसको क्या, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू na, ठीक है बेटा। फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, एन जी माइनस एम ए, और एन की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, एम हमने ले लिया कॉमन, जी माइनस ए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो वेइंग मशीन पे आपको क्या मेजर करेगी, नॉर्मल रिएक्शन, जितना नॉर्मल रिएक्शन इस पर्सन पे लग रहा है उतना ही पर्सन भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस वेइंग मशीन पे। तो वेइंग मशीन हमारा क्या मेजर करेगी, जो फोर्स इस वेइंग मशीन को हमने ट्रांसफर किया वही मेजर करेगी। तो वो फोर्स एन के इक्वल ही है, तो हमने एक्चुअली वेइंग मशीन पे इतना फोर्स ट्रांसफर किया, तो वेइंग मशीन कितना वेट मेजर करेगी, हमारा वेट यही दिखाएगी एम जी माइनस ए, न्यूटन की टर्म में बात करूं तो मैं, है ना, तो इतना वेट दिखाई। तो बेटा ये वजन ज्यादा दिखा रही है कम दिखा रही है, तो स्टार्टिंग में अगर आप रेड के ऊपर थे तो आपका वजन कितना दिखाती थी, वो एम जी का इक्वल दिखाती थी, न्यूटन के अंदर बात कर रहा हूं। लेकिन अभी यहां पे एम जी से कम है, जी माइनस ए, कुछ वजन आपका क्या दिखा रही है, कम दिखा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपकी जो पर्सन है वो किसी लिफ्ट के अंदर है और वो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है आपका, नीचे के डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, नीचे के डायरेक्शन में आपका अगर आपका एक्सेलरेशन है तो जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग क्या होगी बेटा, कम होगी आपकी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं रीडिंग की बात करूँ बेटा, तो रीडिंग हम क्या बोल सकते हैं, रीडिंग ऑफ द मशीन कितनी होगी, रीडिंग ऑफ द मशीन, तो आप रीडिंग की जब हम बात करें तो आपको पता है रीडिंग क्या होती है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई जी, नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पे, एम जी माइनस ए डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किस में होता था बेटा, न्यूटन के अंदर होता था, तो न्यूटन डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, ये क्या देती है, रीडिंग ऑफ द मशीन इन किलोग्राम फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एम जी माइनस ए बाई जी, ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जी अफेक्टिव की, अफेक्टिव ग्रेविटी क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि जी अफेक्टिव की जो वैल्यू है इस केस के अंदर वो कितनी है, जी माइनस ए, ओके। आपको याद क्या रखना है, आपको बस याद यही रखना है कि जी अफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एम जी अफेक्टिव ही आपका क्या होता है, नेट वेट मेजर्ड बाय द वेइंग मशीन, उसको आप जी से डिवाइड करेंगे तो वो आपको किलोग्राम फोर्स में दे देती है, तो आपको जी अफेक्टिव याद रखना है। तो जब
हमारी लिफ्ट है वो ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू बेटा होती है हमारी जी प्लस ए। अगर आपकी लिफ्ट है वो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी या जो जी इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी माइनस ए। और अगर आपकी रेस्ट के ऊपर है तो आपकी जो जी इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। सॉरी, जो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जी की इक्वल हो जाएगी। ओके ओके बेटा, तो बेटा ये केस वन नहीं है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती से केस टू है यार। ओके एसिडिटी डाउनवर्ड। अभी बेटा तीसरा केस और देख लेते हैं आपका। अगर आपकी मशीन सपोज कर लीजिए एसिलेट नहीं कर रही, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ये मैं बेटा रब कर रहा हूं आपके लिए, इफ वेरी मशीन इज, ये है बेटा आपका केस नंबर थ्री। इफ वेरी मशीन इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, अगर आप ये सपोज कर लीजिए कि वेरी मशीन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो वही हमारा डायग्राम रहेगा बेटा सेम। ये कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर क्या है बेटा, एक वेइंग मशीन रखी हुई है और इस वेइंग मशीन के ऊपर कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ओके, और यहां पे इस बार क्या दिया हुआ है कि वेइंग मशीन किसी कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, मेरे को नहीं, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड दिया हुआ है, लट से ऊपर की तरफ जा रही है। तो बेटा अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर एफबीडी बनाएंगे इसका तो एक तो क्या होगा बेटा एम जी, एक नॉर्मल रिएक्शन एन। अब बेटा आप बताइए कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, आपकी कांस्टेंट स्पीड है उसकी, अभी भी 1 मीटर, 2 सेकंड बाद भी 1 मीटर, 3 सेकंड बाद भी 1 मीटर पर सेकंड, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन तो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो कोई भी चीज अगर रेस्ट के ऊपर भी है तो भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो यहां पे क्या होगा बेटा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ आएगा और एक एम जी नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन आपका जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्स अगर आपका जीरो होगा तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, एम जी के इक्वल आएगा। ओके, और रीडिंग क्या आएगी आपकी, रीडिंग ऑफ द मशीन क्या आएगी, रीडिंग ऑफ मशीन, तो आप कहेंगे रीडिंग ऑफ द मशीन आएगी आपकी नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई जी, तो सेम ही आपकी आ जाएगी एम के इक्वल। ओके, तो एम जी डिवाइडेड बाई जी, तो एम के जी एफ इक्वल। ओके, ये आपकी आ जाएगी क्या, रीडिंग ऑफ द मशीन। तो बेटा इस केस के अंदर और जब मशीन रेस्ट के ऊपर थी तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मशीन आपकी वहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन एमजी को मेजर कर रही थी जब रेस्ट के ऊपर थी, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो भी मशीन आपका सेम ही वेट शो कर रही है, विच इज एमजी। ओके, तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इस केस के अंदर भी अगर कोई बात करें जी इफेक्टिव की, तो आप कहेंगे जी इफेक्टिव किसके इक्वल है, जी के ही इक्वल। ओके, तो एसिलेट करती है ऊपर की तरफ तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए, नीचे की तरफ आती है तो जी माइनस ए, और अगर आपकी रेस्ट के ऊपर है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो दोनों सेम ही बात है, तो उस केस के अंदर जो जी इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो जी के इक्वल होती है, इतना आपको याद रखना है। ओके, आई होप कि अप टू हेयर ये आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, तो अभी मैंने बेटा बोर्ड के ऊपर एक प्रॉब्लम लिख दी है आप लोगों के लिए, सो आई होप कि इट इज बिजी। ओके बेटा, तो प्रॉब्लम क्या दी हुई है कि ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन इनसाइड एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अप एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास कितना दे रखा है 60 किलोग्राम। ओके, और वो इनसाइड एन एलिवेटर खड़ा हुआ है, किसी लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है जो ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना है कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगी, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी।
तो बेटा आपको सिंपल सा इतना पता होना चाहिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो वेइंग मशीन है वो क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन, जो वेट उसको एक्चुअली ट्रांसफर होता है। ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को वेइंग मशीन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो लग से बेटा ये कोई पर्सन है जो इसके अंदर खड़ा हुआ है और ये हमारी लिफ्ट है जो एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना बेटा 2 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 लेके चलेंगे। तो बेटा अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो आपका एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। आपको पता है कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन ओनली। तो इसका एफबीडी से एन ऊपर की तरफ लग रहा है, एमजी नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन ए आपका ऊपर की तरफ। तो अगर एफबीडी से हम बनाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, तो बेटा वहां से क्या लिख सकते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी यहाँ पे, एम इंटू जी प्लस ए आ जाएगी आपकी। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 60 किलोग्राम। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ बेटा, ये सीधा यहाँ से ले रहा हूँ मैं। ग्रेविटी की वैल्यू क्या है बेटा 10, ए की वैल्यू हमने दे रखी है 2। तो जो नॉर्मल रिएक्शन बेटा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 × 60 720 न्यूटन। अभी बेटा ये रीडिंग नहीं है, रीडिंग मैंने बताया था कि हमेशा किलोग्राम फोर्स के अंदर आती है। तो जब आप न्यूटन को जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको जी से आप जब डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है केजीएफ के अंदर, वही आपका जो रीडिंग है वही हम क्या बोलते हैं, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आपको पता है क्या होता है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, तो बेटा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आप क्या बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे 720 आ गया था डिवाइडेड बाई 10, तो आपका आ जाएगा कितना 72 किलोग्राम। तो एक्चुअल में तो हम देखे मास 60 किलो